जैसे आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो गलत डला हुआ है, या आपका जो करंट जोन, या फिर आपका करंट डिवीजन, या फिर आपकी बिल यूनिट हो गया, या फिर आपका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया, या फिर आपका करंट स्टेशन पैलेस हो गया, या फिर आपका करंट वर्किंग ऑफिस हो गया, या फिर आपका टिकट नंबर हो गया, या आपका रेलवे ग्रुप हो गया, या आपका पीएफ नंबर हो गया, एनपीएस नंबर हो गया, या फिर आपका सर्विस स्टेटस है। तो दोस्तों मान लो गलत डला हुआ है, आपको अपडेट करना है, या फिर आपका डला हुआ ही नहीं है, आपको ऐड करना है, तो आप कैसे कर पाओगे? दोस्तों आज का वीडियो इसी बेस पे है, आप ये सब चीजें कैसे अपडेट कर सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो, तो आज के वीडियो में हम आपको सब बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, तभी आप सब कुछ समझ पाओगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल रिव्यू में। तो हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। लॉगिन करने से पहले आपको दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, जब आप किसी भी ब्राउजर में HLMS की वेबसाइट ओपन कर लेते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो राइट साइड में आपको टॉप में थ्री डॉट दिख रही है उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डेस्कटॉप साइट, डेस्कटॉप साइट पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि डेस्कटॉप साइट पे क्लिक क्यों करना है। जब हम डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करते हैं तो ये जो HLMS की वेबसाइट है ये हमारे मोबाइल में खुल जाती है जैसे कंप्यूटर में खुलती है, तो इसमें बहुत सब कुछ हम बहुत आराम से इसमें देख पाएंगे और इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लॉगिन प्रक्रिया आप सबको पता ही है, यूजर नेम में आपको अपनी HLMS डालनी है, पासवर्ड में पासवर्ड डालना है, जो कैप्चा आपको दिख रहा है ये आपको नीचे कैप्चा में डालना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके पास एक OTP आएगा, OTP आपको डालना है, तो आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट प्रोसेस में पूरी कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको हर बात एक बात बोलना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप वो वीडियो देख सके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एक एरो का निशान दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में टॉप में, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ब्रैकेट में है EWS, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू ओब्लिक एडिट माई डिटेल्स, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा करंट का, तो करंट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे पहले रीजन का, कि आप इसको क्यों एडिट करना चाहते हो। तो इसमें दोस्तों जैसे मान लो आपको अपना अपॉइंटमेंट डेट है वो चेंज करनी है, तो आप लिख दोगे अपॉइंटमेंट डेट चेंज, या चेंज अपॉइंटमेंट डेट ऐसे लिख दोगे, या फिर आपको जोन, या फिर आपको बिल यूनिट आपका गलत डला हुआ है वो आपको ठीक करना है, या आपका डिवीजन गलत डला हुआ है वो आपको ठीक करना है, तो आप लिख दोगे चेंज जोन, चेंज बिल यूनिट, चेंज डिवीजन, ऐसे आपको जो भी चेंज करना है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। या फिर आपको मान लो टिकट नंबर आपको अपडेट करना है, ऐड करना है, तो आप लिख दोगे भाई अपडेट टिकट नंबर, या फिर करंट स्टेशन पैलेस आपको यदि अपडेट करना है तो आप अपडेट करंट स्टेशन पैलेस लिख दोगे। तो जो भी आपको इसमें चेंज करना है वो आपको यहाँ पे रीजन फॉर एडिटिंग का जो ऑप्शन है इसमें आपको लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ मेरा ऑलरेडी सब इसमें डला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगला ऑप्शन है HLMS एम्प्लॉय आईडी, आप चेंज नहीं कर पाओगे, जो का तो रहेगा। फिर आगे देखिए है बिल यूनिट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आप किन किस चीज को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ आप देख रहे हो जो भी ऑप्शन है, चाहे वो बिल यूनिट का हो, चाहे वो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट का हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट डेट हो, तो इनके देखिए राइट साइड में आपको चेक बॉक्स दिख रहे होंगे। तो जिस भी ऑप्शन के राइट साइड में चेक बॉक्स है ये सब आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। देखिए मैं इन चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएंगे, जैसे बिल यूनिट के पे करूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में जब मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। तो सब ऑप्शन ये हाईलाइट हो जाएंगे जिसके चेक बॉक्स पर आप क्लिक करते जाओगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये जैसे मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो गए, हाईलाइट हो गया मतलब आप ये सब चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों जो भी आपकी आपको चेंज करना है, जो इसमें गलत इंफॉर्मेशन है वो सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। बिल यूनिट हो गया, फिर आपका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट हो गए, ठीक है, ओपन मार्केट से आप भर्ती हुए, आपका अपॉइंटमेंट हुआ था कैसे हुआ था, ये सब आप चेंज कर सकते हो। आपके अपॉइंटमेंट डेट यहाँ गलत डली हुई है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। वैसे दोस्तों हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ आप अपना जोन, जो करंट जोन है आपका, वो भी यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो
और यहाँ देखिए पीछे इसका चेकबॉक्स लगा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए भी हाईलाइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो भी आपको चेंज करना है उसके राइट साइड में जो चेक बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना है और आप वो सब चेंज कर सकते हो। ठीक है, करंट जोन आपका मान लो गलत है यहाँ पे तो आप वो भी ठीक कर सकते हो, आपका करंट जो डिवीजन है वो भी गलत है तो भी आप यहाँ से उसको चूज करके ठीक कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ करंट स्टेशन पैलेस भी आप यहाँ पे आपका गलत डला हुआ तो वो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ करंट वर्किंग आपका जो फीस है वो भी यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, गलत डला है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं डला है तो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। दोस्तों अभी मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो काफी लेंथी हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट के, तो आप लोगों को देखने में दिक्कत आती होगी, इसलिए मैं आपको यहाँ चेंज करके नया दिखा के मैं आपको सीधा से बताता जाऊंगा और आप लोग उसको अपडेट करते रहना। ठीक है, कर लेना आप जैसा भी आपको जो भी आपको अपडेट करना है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों पैरेंट वर्कशॉप का भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है। देखिए यदि आपके पास इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वर्कशॉप नंबर हो गए तो भी आप डाल सकते हो, यदि आपके पास नहीं है आपको नहीं रखो तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब हम और नीचे चलते हैं। यहाँ देखिए आप अपना जो लीन जोन है वो भी आप यहाँ पे यदि गल डला हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं चेकबॉक्स पे क्लिक किया, देखिए हाईलाइट हो गया, या मैंने क्लिक किया हाईलाइट हो गया, या मैंने क्लिक किया हाईलाइट हो गया। ठीक है, यहाँ देखो आप आपका सर्विस जो स्टेटस है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यदि दोस्तों आपके पास टिकट नंबर है तो जैसे वेस्टर्न रेलवे में क्या टिकट नंबर होता है, मतलब जिसको हम WR नंबर बोलते हैं, वेस्टर्न रेलवे का WR नंबर होता है, ऐसे मेरे ख्याल से सब जोन का नंबर होता होगा, जो जिसको हम एम्प्लॉय नंबर भी बोलते हैं। ठीक है ना, वो यूनिक नंबर होता है सबका, हमारा WR से स्टार्ट होता है, WR फिर आगे जो भी सो एंड सो। ठीक है, ऐसे आपका जोन अलग है तो मान लो आपका NWR था, NWR सो एंड सो जो भी नंबर है वो सब क्वालिट होंगे, वो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक ऑप्शन है सर्विस स्टेटस, या देखिए मेरा डला हुआ है सर्विंग सैलरी, तो यहाँ पे भी आप आपका नहीं सही चूज नहीं है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, सर्विंग सैलरी आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सर्विंग सैलरी के ऊपर, या देखिए ऑप्शन है डेपुटेशन आउटसाइड री इंगेजमेंट और सर्विंग, तो ठीक है आप यदि रेगुलर एम्प्लॉय है रेलवे के तो आपको सर्विंग सैलरी में ही होना चाहिए। ठीक है, यदि डेपुटेशन पे है तो डेपुटेशन सेलेक्ट करना रहता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखें दोस्तों नीचे ऑप्शन आ गए हैं रेलवे ग्रुप, तो देखिए राइट साइड में चेकबॉक्स बने हुए हैं तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए चेकबॉक्स पे क्लिक करते ही सब ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मान लो आपका रेलवे ग्रुप इसमें गलत डला हुआ है, जैसे मान लो आप रेलवे के आप बी ग्रुप में हो या फिर आप डी ग्रुप में या फिर सी ग्रुप में हो तो आपको यहाँ पे अपना वही सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपका ग्रुप हो, मान लो गलत डला हुआ है तो आप इस पे जहाँ सी में डला हुआ है इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए आपको ए बी सी जो भी तीन चार ग्रुप है वो आपको मिल जाएंगे, आपको आपका ग्रुप यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर आप सुना है रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड, जो भी आप रजिस्टर्ड एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है, नॉन रजिस्टर्ड है तो नॉन रजिस्टर्ड पे सेलेक्ट क्लिक करना है, तो ऑलरेडी मेरा नॉन रजिस्टर्ड है तो ये ठीक है। देखिए यह कैडर का ऑप्शन, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कैडर भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं अदर पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो आप इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTS ऐसे आप अपना यहाँ पे जो कैडर है वो सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपका नहीं है तो आप अदर भी ले सकते हो। ठीक है ना, जैसे मैंने अदर ले रखा है। अगला है PF नंबर, तो यदि जो PF एम्प्लॉई है वो अपना यहाँ PF नंबर डाल सकते हैं यदि इसमें आपका अपडेट नहीं है तो, और या फिर आपका गलत है तो भी आप यहाँ ठीक कर सकते हो। यदि जो NPS एम्प्लॉई है वो आपके यहाँ अपने आप NPS नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, फिर नीचे देखिए एक ऑप्शन और है NPS स्कीम, यहाँ पे यदि आपका अपडेट नहीं है NPS स्कीम तो भी आप यहाँ यदि NPS में हो आप तो यहाँ पे आप यस होना चाहिए, यदि NPS में नहीं हो PF में हो तो यहाँ पे नो मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखिए यह है प्राण नंबर, यदि आप NPS एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ अपने प्राण नंबर डालने हैं। ठीक है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, अपडेट करना चाहो तो देखिए दोस्तों नीचे एक ऑप्शन और है CG ट्रेनी मैट्रिक पास ऑन स्टाइफंड। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप CG ट्रेनी हो, आपको आप स्टाइफंड पे हो तो आपको इसमें ये दोनों चेकबॉक्स हैं इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यदि आप मेरी तरह है आप सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में ये सब इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है, लेकिन दोस्तों इन सब के अपडेट के लिए आपको क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा,
तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का दोस्तों नीचे ऑप्शन, हम अपन नीचे चलते हैं दोस्तों। इसमें ऊपर और भी ऑप्शन है लेकिन वो आपके काम के नहीं है, क्योंकि जो सीजी ट्रेनी है जिसको स्टाइफंड मिलता है तो उसके लिए वो ऑप्शन है, ठीक है। वो जो सर्विंग एम्प्लॉय है, जो परमानेंट इसके रेलवे के जो स्टाफ है, उसके लिए वो ऑप्शन नहीं है, तो मैंने वो ऑप्शन छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत बोला भाई सर आपने ये तो बताया ही नहीं, तो वो जो सीजी ट्रेनी जो एम्प्लॉय है जिसको स्टाइफंड मिल रहा है उसके लिए, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। देखिए नीचे लास्ट में देखिए आपको सपोर्टिंग प्रूफ डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ये यहाँ पे आपको अपलोड करना ही होगा। जैसे मान लो आपने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चेंज किया है, तो आपके पास कोई ना कोई लेटर उसका प्रूफ होगा आपके पास, अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दोगे, चूज फाइल पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल में कंप्यूटर में जहाँ भी है आप उसको सिलेक्ट करोगे और आप उसको अपलोड पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो नीचे दिखा देगा 100% अपलोडिंग सक्सेसफुली, और नीचे आपका जो आपने फाइल अपलोड किया उसका आपको यहाँ पे देख भी सकते हो, नीचे उसका आपको सिंबल मिल जाएगा, ठीक है। और या फिर जैसे मान लो आपको जोन हो गया या आपका डिवीजन हो गया, ठीक है, वो आपको या आपको मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, या आपका करंट स्टेशन आपका पैलेस है, ठीक है, या फिर आपका टिकट नंबर हो गया, या फिर आपका रेलवे ग्रुप हो गया, या फिर आपका पीएफ नंबर या एनपीएस नंबर हो गया, जो भी कुछ आप चेंज करोगे तो उसके उसका आपके पास सपोर्टिंग प्रूफ जरूर से होगा, ठीक है ना। तो आपको वो सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यदि आप सपोर्टिंग प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे तो आपका अपडेट नहीं होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है, अपलोड आपको करना ही पड़ेगा। तो आपके पास दोस्तों इन सब चीजों का प्रूफ मिलेगा, ठीक है ना। तो नीचे देखिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड ऑल द अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इट ट्रू एंड आई एम लायबल टू बी टेकन अप अंडर डीआर प्रोसीडिंग फॉर एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको ये जो डिक्लेरेशन जो है इसके आगे देखिए आपको एक चेकबॉक्स दिख रहा होगा, तो आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऊपर जो भी जानकारी हमने प्रोवाइड कराई है, मतलब हमने ऐड की है या अपडेट की है, वो सही है, और यदि वो आपने गलत जानकारी डाल दी तो आपके ऊपर डीआर इंक्वायरी भी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों आपको जो सही जानकारी है वही आपको इसमें डालनी है, आपको अपडेट करनी है, कुछ भी गलत आप इसमें अपडेट नहीं करें नहीं तो आपके ऊपर डीआर इंक्वायरी चल सकती है। फिर दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना है और आपको ओके पे क्लिक कर देना है, आपकी जो रिक्वेस्ट है चेंज करने की रिक्वेस्ट आपके जो डीलिंग कलर है उसके पास चली जाएगी, ठीक है। फिर डीलिंग कलर उसको देखेगा, फिर वो किसके पास फॉरवर्ड कर देगा, वेरीफाई अथॉरिटी के पास में, ठीक है। फिर वेरीफाई अथॉरिटी क्या करती है, उसको वेरीफाई करती है, वो भेज देती है असाइन अथॉरिटी के पास में। तो दोस्तों तीन स्टेज इसकी प्रोसेस है। तो जैसे मान लो आपने सबमिट कर दिया तो आप कहाँ चेक कर पाओगे कि मेरा इसका स्टेटस क्या है, कहाँ तक मेरा रिक्वेस्ट पहुंची है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए लेफ्ट साइड टॉप में जो एरो का निशान दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा माई चेंज रिक्वेस्ट। दोस्तों ये एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का जो मॉड्यूल है उसी में नीचे जहाँ पे भी पब्लिक आइडेंटिटी डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक किया था उसी के नीचे वाला ऑप्शन है माई चेंज रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको जानकारी आपको मिल जाएगा जो स्टेटस है वो, देखिए मेरा यहाँ ब्लैंक आ रहा है, तो आप जैसे रिक्वेस्ट इसमें आप डालोगे सबमिट करोगे तो नीचे आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट शो होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका एचएलएमएस आईडी, आपका नेम हो गया, ठीक है, अब कौन से मॉड्यूल से आपने रिक्वेस्ट डाली है और कब आपने सबमिट किया, डेटा जाएगी। फिर आगे देखिए डीलिंग कलर का आईडी का ऑप्शन मिल रहा है, तो डीलिंग कलर उसको देख के फॉरवर्ड करेगा वेरीफाई अथॉरिटी के पास में, तो वो डेट भी आ जाएगी और उसकी डीलिंग कलर की आईडी भी आ जाएगी, कि जैसे वेरीफाई अथॉरिटी उसको वेरीफाई करेगा और वो फॉरवर्ड किसके पास कर देगा, असाइन अथॉरिटी के पास में, तो उसकी वेरीफाई अथॉरिटी की आईडी भी आ जाएगी, उसका डेट भी आ जाएगी कब उसने फॉरवर्ड किया है असाइन अथॉरिटी को। ऐसे असाइन अथॉरिटी की जब उसका वो फाइनल अप्रूव कर देगा वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर उसकी आईडी आ जाएगी, उसकी डेट आ जाएगी, रिव्यू और एक्शन में क्या उसमें एक्शन लिया गया है, आपके एक्सेप्ट किए रिजेक्ट किए, वो यहाँ पे व्यू पब्लिक जो एक्शन का जो ऑप्शन है इसके नीचे आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों मान लो ये तो करंट का होगा, मान लो जैसे एक महीना हो गया है, ये मान लो आपने पिछले महीने सबमिट किया है, तो इस महीने आप यहाँ पे इसको ओपन करोगे इस टैब को, तो आपको यहाँ नीचे शो नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर आपको देख रहा है सेलेक्ट पीरियड का ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम से टू, यहाँ पे आपने जिस डेट को सबमिट की थी रिक्वेस्ट वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है एक महीने की जो डेट है वो सिलेक्ट होती है, तो अभी देखिए करंट मंथ का इसमें आपको दिखेगा, तो मान लो आप पिछले महीने का, तो आपको यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको गो पे क्लिक करना है, तो आपकी रिक्वेस्ट नीचे आ जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, कोई भी कंफ्यूजन है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जोर से इसके ऊपर रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों, तुम अच्छा से आप लोग कमेंट किया करो, आपके अच्छे कमेंट करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और आगे मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।